क्या हुआ जब अयोध्या धाम पहुंचे सैकड़ों वानरों की सेना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारत के इतिहास में 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। दोस्तों, इस बात पर तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हफ्ते भर चलेगा। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आखिर अयोध्या में क्यों पहुंच रहे हैं सैकड़ों के तादाद में भालू और बंदर? आखिर कहां से आ रहे हैं इतने बंदर? क्या यह राम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं या फिर कुछ और ही मसला है? आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, जिसमें कई गिलहेरियां भालू गिद्ध शामिल भी थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम हमें आज एक मजबूत राम सेतु के तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और वापस अयोध्या लौटे, और तब धूमधाम से दीपावली पर्व मनाया गया। लेकिन दोस्तों, वही दीपावली का पर्व एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि 500 वर्षों का कठिन संघर्ष अब सफल हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम हिंदुओं के लिए यह बहुत दुख की बात है कि एक सनातनी देश में होने के बावजूद हमारे प्रभु रामलला को तंबू में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वह सामने जरूर आती है। दोस्तों, सब जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान राम फिर से अपनी नगरी अयोध्या में वापस लौटने वाले हैं। और इसी खास दिन के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। और इनके अलावा सीएम योगी और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं। और इनके अलावा विदेशों में भी कई बड़ी हस्तियां राम मंदिर आयोजन देखने को आने वाली है। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या वैसे तो भगवान राम के जन्म स्थान से पूरी तरह से जानी जाती है, लेकिन इसी अयोध्या में जब आप आएंगे तो आपको अयोध्या के मठ मंदिर और गलियों में बंदर जरूर देखने को मिलेंगे। इन बंदरों को अयोध्या वासी बजरंगबली का रूप भी मानते हैं और इसके साथ ही उन्हें पूजते भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच फिलहाल में कुछ बंदरों का एक साथ राम मंदिर में आना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, हाल ही में कुछ बंदरों के ग्रुप को अयोध्या राम मंदिर में देखा गया है। अब आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कोई संयोग, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम के लौटने की खुशी में बजरंगबली दर्शन के लिए खुद अयोध्या आए हैं। लेकिन क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो कलयुग में हनुमान जी को राजा माना जाता और बंदर को हनुमान जी का स्वरूप। रामनगरी में प्राचीन काल से यह परंपरा चली आई है कि यहां कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए जगह जगह भंडारे भी चलाए जाते हैं। तो वही रामनगरी में बंदरों का भी आदर सत्कार किया जाता है। बता दें कि श्री रामनगरी में बंदरों की तादाद कई इलाकों में है। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। खबर आ रही है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री अमित शाह और आनंदी पटेल रहेंगी, और साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिक गुरुओं को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जनों भर गिद्धों का झुंड देखने को यहां मिल रहा है। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। उसका स्वागत समारोह में जटायु सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम की चाहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का उमड़ना यहां शुरू हो गया है।
अब कुछ दिनों बाद यहां रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वहीं कुछ लोग जल्दी से शुरू होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एयरपोर्ट के जरिए इस भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो अभी से भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी में विराजमान होने वाले हमारी आस्था के प्रतीक श्री राम के दर्शन के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कमेंट में बताएं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसका उद्घाटन लगातार सुर्खियों में, धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के स्थान पर विकास की नई हिस्ट्री लिखने की तैयारी है। तमाम मॉडर्न व्यवस्थाओं के साथ साथ यहां शहर में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस टर्मिनल और आवागमन को सुगम बनाने वाली तमाम सुविधाएं विकसित की जा रही है। अयोध्या आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यानी कि ISBT की सौगात भी मिली है। इसे कई फेज में विकसित किया जाएगा। यहां दूसरे राज्यों से आने वाली यात्रियों के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं मिलने वाली है। यात्री सहायता केंद्र बसेरा और प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। बता दें कि श्री राम समारोह में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने क्रिकेटरों, उद्योगपतियों और अभिनेताओं जैसी कई हस्तियों को निमंत्रित किया है। सम्मानित अतिथियों की सूची में कई परिवार भी शामिल है जो दुनिया भर के 50 विदेशी देशों के प्रतिनिधि हैं। साथ ही गौतम अडानी, रतन टाटा, अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, बाबा रामदेव मोहन भागवत जैसे कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए 3,000 VIP और 4,000 संतों सहित लगभग 7,000 लोगों को आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में राजनेताओं सहित चार शंकराचार्य मशहूर हस्तियों के दो पुजारी, अन्य धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, फिलहाल अयोध्या से जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अचानक से गिद्धों का झुंड सामने आया है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कहां से आया यह गिद्धों का झुंड। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंच चुके हैं। यहां के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, इसको भगवान की कृपा कहे या कुछ और। पशु पक्षी सहित अयोध्या में अब जटायु भी आ गए हैं। लोगों का मानना है कि निश्चित ये भगवान राम का प्रभाव है। दोस्तों, वर्षों पहले इन गिद्धों को बड़े बड़े खेतों में और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, लेकिन आजकल उनकी जाति निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से देखकर खुशी हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक सनातनी हैं और श्री राम व हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।